पेपर हो गया? कैसे नंबर बने? पेपर कैसा था? अच्छा, आइए थोड़ा सा, कितने नंबर बने आपके? 95। लैब में हाईएस्ट कितना था? लैब में हाईएस्ट नहीं पता। अच्छा ये बताइए, आपने भाषा वन में क्या लिया था? हिंदी। हिंदी में लिया था। हिंदी का पैटर्न कैसा था मैम? कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ थोड़े। मैं तो यूपी की हूँ तो पहली बार दिया है। अच्छा यूपी से आई है, यूपी टेट भी दिया होगा आपने? जी। चलो बहुत बढ़िया। और इंग्लिश आपका सेकंड सब्जेक्ट था या संस्कृत था? इंग्लिश था। इंग्लिश में किस प्रकार का पैटर्न था? इंग्लिश में सेम सीटेट टाइप पैटर्न था पेपर का। सीटेट टाइप पैटर्न था। एक प्रोस आया था जी, एक और एक आपका पैराग्राफ आया होगा जी, पैराग्राफ आया था। उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे? ग्रामर से भी कोई क्वेश्चन पूछे गए थे जी? किस प्रकार के क्वेश्चन थे? लाइक एडजेक्टिव है, वर्ब है, या मतलब आपका एक शब्द दे दिया गया होगा और उसमें पूछा गया होगा ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, या एडवर्ब है, कुछ भी पूछा गया होगा। चार ऑप्शन दिए होंगे। अच्छा ये बताइए मैथमेटिक्स कैसा आया था? मैथमेटिक्स ठीक था, लेवल क्वेश्चन कौन कौन सर? सारा ठीक तो है, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? हम क्वेश्चन जाने की उत्सुकता रहती है। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन थे, कितने फ्रैक्शन के थे और फ्रैक्शन के भिन्न के क्वेश्चन थे, और प्रतिशत से भी कोई क्वेश्चन थे क्योंकि कल आए हुए थे? प्रतिशत से नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल वगैरह से एक दो क्वेश्चन थे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन डिविजिबिलिटी। अच्छा, और ईवीएस में ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आए थे? अंतरिक्ष वगैरह के क्वेश्चन। अंतरिक्ष में किस प्रकार का आया था? अंतरिक्ष में लाइक किसी की ईयर पूछ ली, ये कब लॉन्च हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन। अच्छा रोहिणी, आर्यभट्ट वगैरह इस प्रकार के सैटेलाइट होंगे, वो कब लॉन्च हुए थे इस प्रकार। चलो बहुत